नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। पार्टी विरुद्ध बागी उम्मीदवारी देने सबके, बुध के 1 बजे भीतर उम्मीदवारी फिरता लेब, सत्ता गठबंधन का निर्देशन। जलेश्वर अस्पताल निकालने करार, कर्मचारी के धरना के नतीजा प्रति असंतुष्टि, असंतुष्ट सब द्वारा प्रदर्शन। परसा के बीरगंज में गणित लाइकर 2 गोटे की मृत्यु। पर्दिया के राजापुर क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप, करीब 800 घर डुबान में। आ नवम राष्ट्रीय खेलकूद में हैंडबॉल दिस मध्य प्रदेश का खराब प्रदर्शन, पुरुष आ महिला दोनों टोली पराजित। अब समाचार विस्तार में। सत्ता गठबंधन में आबद्ध दल सब अगला अघन 4 गते हो वाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में गठबंधन के सहमति बिना उम्मीदवारी देने नेता तथा कार्यकर्ता के उम्मीदवारी फिरता लेब निर्देशन दिलक। सत्ता गठबंधन में आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रीय जनमोर्चा पार्टी के उम्मीदवार विरुद्ध उम्मीदवारी देवयवला सबके मनोनयन फिरता लेब निर्देशन देल गेल। गठबंधन 20 घंटा भीतर अपन अपन उम्मीदवारी फिरता कर निर्देशन देने अच्छे। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा आसीन 26 गते बेड़िया में 1 बजे भीतर एहन सदस्य सबके उम्मीदवारी फिरता नहीं लेला पर संबंधित पार्टी के निष्कासन क देवक संबंधित पार्टी से निष्कासन क देवक मंगल दिन बैसल सत्ता गठबंधन के बैठक निर्णय कलक। प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा के उम्मीदवारी कायम रहत। हुनका विरुद्ध उम्मीदवारी विरुद्ध पड़ल निवेदन कानून सम्मत नहीं देखल गेल कहत उम्मीदवारी कायम रहबाक निर्णय कयल गेल। मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण बागले जानकारी दिलन अच्छे। डडेल धुरा से उम्मीदवारी देने प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के सभापति देवा के उम्मीदवारी रद्द कैल जेबा मांग करत हुनक प्रतिस्पर्धी कर्ण मल्ल सोम दिन मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में निवेदन देने छलथि। देवा के नागरिकता आ मतदाता नावली में फरक फरक जन्मिति रहल कहत मल्ल उम्मीदवारी खारिज के मांग सहित निवेदन देने छलथि। नागरिकता में 2003 जेठ 31 गते जन्मिति रहल देवा के मतदाता नामावली में 2002 साल जेठ 31 गते रहल पाल गेल। देवा के उम्मीदवारी विरुद्ध निवेदन देवला मल नेपाली कांग्रेस के पूर्व डडेल धुरा सभापति रहल। ओ 2074 साल के निर्वाचन में कांग्रेस से प्रदेश सभा सदस्य में विजय भेल छलथि। बैसाख 30 गते भेल स्थानीय निर्वाचन में एमआलए संग तालमेल करत कांग्रेस बीपी के चुनाव चिन्ह से अपना निकट व्यक्ति के उम्मीदवार बनौने कहत कांग्रेस मल के पार्टी से निष्कासन क देने छल। अखन कांग्रेस बीपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपसभापति समेत रहल मल देवा विरुद्ध चुनाव लड़ उम्मीदवारी दर्ता कने अच्छे। एम्हर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी से कैलाली क्षेत्र नंबर 5 में प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार रहल लक्ष्मण थारू के उम्मीदवारी रद्द कैल गेल छे। मंगल दिन मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय धनगढ़ी थारू के उम्मीदवारी रद्द भेल जानकारी दिलक। थारू के उम्मीदवारी विरुद्ध सोम दिन निवेदन पड़ल छल। थारू कर्तव्य ज्ञान मुद्दा में दोषी भक सजाए क फरार रहल कहत धनगढ़ी उपमहानगरपालिका और नंबर 15 के राम बहादुर सिंह हुनका विरुद्ध निवेदन देने छल। इहे निवेदन के आधार में थारू के मनोनयन दर्ता खारिज भेल छे। महतरी के जलेश्वर स्थित प्रादेशिक अस्पताल निकालने करार, कर्मचारी के नतीजा पर आपत्ति जनबैत विरोध भेल छे। आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल अस्पताल करार दरबंदी में भर्ना के लेल परीक्षा ल क निकालने नतीजा प्रति आपत्ति जनबैत असंतुष्ट व्यक्ति सब प्रदर्शन केनाई के संगे प्रशासन शाखा में तालाबंदी केने अछि। तालाबंदी केला बाद प्रहरी आबि कऽ ताला तोड़ देने छल। अस्पताल करार विज्ञापन अंतर्गत अंतर्वार्ता आ मूल्यांकन समिति के प्राप्तांक आधार में आसीन 12 गते के निर्णय अनुसार नतीजा प्रकाशन कयने छल। अस्पताल पहुँचवला अपन लोक के नाम सार्वजनिक ने आरोप लगबैत ओ सब विरोध में उतरल अछि। नतीजा में मनोमानी कयल गेल कहत ओ सब अस्पताल में धरना देवा आ अनशन पर बैसा पहुँचल छल। यद्यपि प्रहरी ओकरा सबके हटौने छल। एकर बाद ओ सब परीक्षा प्रक्रिया के छानबीन कर प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र से बुझलक अछि। अस्पताल कंसल्टेंट, मेडिकल अधिकृत, डेंटल सर्जन, फिजियोथेरापिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, नर्सिंग अधिकृत आ लैब
टेक्नीशियन के लिए विज्ञापन निकालने छल। तहिना मेडिकल रिकॉर्डर सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेंट, फार्मेसी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेंटल हाइजीनिस्ट, अनमी कार्यालय सहयोगी कक 30 गोटे मांग कयने छल। दशैं मनाव मंत्री नेता तथा कर्मचारी सब जिला गेला से सिंह दरबार सुनसान बनल छे। दशैं समापन भक सरकारी कार्यालय सब खुज लगल पर सिंह दरबार में भीड़ नहीं देखल गेल छे। नेता तथा मंत्री सब निर्वाचन प्रयोजन के लिए अपन अपन जिला जेबा क्रम बढ़ला संगे सिंह दरबार सुनसान बनल छे। मंत्री सब निर्वाचन के लिए गाँव गेला बाद मंत्री के भेट जाए वाला कर्मचारी, राजनीतिक दल के नेता तथा कार्यकर्ता, सर्वसाधारण के भीड़ कम रहल छे। मंगल दिन सेहो सिंह दरबार में लोकसभक आवाजाही बहुत कम देखल गेल छे। रवि दिन कुजाग्रत पूर्णिमा से दशैं औपचारिक रूप में समापन भेला बाद सरकारी कामकाज शुरू भ चुकलो पर दशैं छुट्टी में गेल कर्मचारी सब घुड़बा क्रम जारी रहल छे। तहिना मंत्री सब सेहो निर्वाचन के लेल दौड़ रहला से मंत्रालय में आवे वाला सेवाग्राही तथा सर्वसाधारण के भीड़ घटल छे। मंगल दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय, खाने पानी मंत्रालय, कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय, कृषि गृह मंत्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय लगायत के मंत्रालय के अवस्था देखला पर कर्मचारी तथा सेवाग्राही सबक संख्या कम मात्रा में देखल गेल छल। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा नेपाल में पूंजी लगानी के विकास में सहयोग कर गैर आवासीय नेपाली सब के आह्वान कलन। मंगल दिन गैर आवासीय नेपाली संघ के वार्षिक साधारण सभा में ओ एहन आह्वान कलन। प्रधानमंत्री देवा गैर आवासीय नेपाली संघ के सहज रूप में लगानी कर सकबाक आ लगानी के प्रतिफल उपभोग कर सकबाक वातावरण निर्माण कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। ओ हरेक गैर आवासीय नेपाली सब से विदेश में नेपालक पहचान बचाव, विदेशी लगानीकर्ता के लगानी कर प्रेरित कर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कैल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलन। कर सकने लगाने को प्रतिफल वो कर सकने वातावरण निर्माण करने सरकार प्रतिबद्ध रहे कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संसारभरि सरदर भएका हरेक नेपालीहरू नेपालको गैर आवासीय नेपालका गैर आवासीय दूतहरू हुन्। तपाईँहरूले विदेशमा नेपालको पहिचान दिलाउन, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा ल्याउन, लगानी लगाउन उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। गैर आवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन सके यहाँबाट स्वदेशी उत्पादनको निकासी पूर्वर्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ। यसबाट नेपाली श्रम सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला। प्रधानमन्त्री देवा सरकार गैर आवासीय नेपाली सबके नेपाल आगमनमै सहजीकरणसँ सम्पत्तिके सुरक्षित करबाक सम्बन्धमे आवश्यक सहयोग उपलब्ध करबैत आयल बतौलनि अछि। गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसक नेता बालकृष्ण खाँड निर्वाचनमे सत्तारूढ गठबन्धनके दू तिहाई बहुमत देव आम मतदाताके आग्रह कयलनि अछि। गृहमन्त्री खाँड नागरिकता विहीन नेपाली नागरिक सबके नागरिकता देव सेहो संविधान संशोधन कयल जेबाक भेलासँ सत्तारूढ़ गठबन्धनके दू तिहाई बहुमत आवश्यक रहल जिक्र कयलनि अछि। मंगल दिन काठमाण्डूमे भेल गैर आवासीय नेपाली संघके वार्षिक साधारण सभामे ओ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान विपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहि कयलाके कारण गैर आवासीय नेपाली सबके सेहो नागरिकता देबाक संवैधानिक व्यवस्था कानून करऽ नहि सकल बतौलनि। गृहमन्त्री खाँड राष्ट्रपति के गैर संवैधानिक काम के विरोध कक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणक लेल दबाव देव सेहो गैर आवासीय नेपाली सब के अनुरोध कयलनि। राष्ट्रपति जीले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने हो। संविधान को धारा 113 को 4 मा के लेखेको छ भने पुनः चाहिँ तपाईलाई सोही स्वरूपमा वा संशोधित स्वरूपमा विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भइसकेपछि 15 दिनभित्र जारी हुनेछ। त्यहाँ फर्काउने प्रावधानै छैन, उहाँले यसलाई रोकिरहने प्रावधानै छ। यसलाई हाम्रो के छ भन्दाखेरि गठबन्धन पार्टीको पनि निष्कर्ष छ, सरकारको पनि निष्कर्ष छ, सायद चाहिँ नि कानुन व्यवसायीहरूले पनि यो बारेमा बोलिरहनु भएको छ। यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्ने राष्ट्रपतिको जुन कदम हो यो असंवैधानिक कदम हो, संविधान विपरीत कदम हो यो।
त्यहाँ राष्ट्रपतिले कुनै पनि शर्तमा असंवैधानिक कदम चाल्नै मिल्दैन, जसले संविधानको गर्ने हो, संविधानको शरण पालना गर्नेले असंवैधानिक कदम चाल्नु पाइन्छ र? तर चाल्नुभयो, त्यतापट्टि सारा संसारको ध्यान जाओस्, तपाईँहरूको पनि ध्यान जाओस्। गृहमन्त्री खाड नेपालमा लगानी आनसियो गैर आवासीय नेपाली सबके आह्वान कयलनि। गैर आवासीय नेपाली सबक लगानीके सुरक्षा करबाक जिम्मेवारी सरकार लेबाक हुनकर कथन छल। गृहमन्त्री खाड विदेशमे रहल हरेक नेपाली सबक लगानीके स्वागत करबाक, प्रोत्साहन करबाक आ ओहिके सुरक्षाके सुनिश्चितता करबाक काज सरकार कऽ रहल सेहो बेर बेर दोहराने छलथि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघके वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल उद्योग व्यवसाय करबाक लेल विदेशसँ बेसी नेपालमे प्रचुर सम्भावना रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन गैर आवासीय नेपाली सङ्घके वार्षिक साधारण सभाके सम्बोधन करैत वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल एना बतौलनि अछि। ओ नेपालक लगानीके वातावरण प्रशस्त रहल कहैत विदेशमे आर्जन कयने ज्ञान आ पूँजीके नेपालमे आना गैर आवासीय नेपाली सबके आग्रह कयलनि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल नेपालमे आओर देशसँ बेसी लगानीके प्रतिफल सेहो नीक रहल बतौलनि। गरेको चाहिँ जुन व्यवसाय यहाँहरू चाहिँ बस्नुभएको चाहिँ देशहरूको चाहिँ तुलनामा वास्तवमा चाहिँ नेपालमा धेरै नै चाहिँ अपर्चुनिटी चाहिँ छ। यहाँ वास्तवमा चाहिँ भनौँ न यो पहिला एउटा ट्रेडिसनल रूपमा जुन एउटा लगानीको चाहिँ लागि जुन आवश्यक चाहिँ पुराना चाहिँ कानुनहरू पनि वास्तवमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छ र यो चाहिँ यो प्रोसेस यो चेन्ज गर्ने चाहिँ कुराहरू पनि क्रमशः चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो केही असजिला चाहिँ कुराहरू जस्तो अघि हाम्रो कुलजीले पनि भन्नुभयो जस्तो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जस्तो विदेशमा बसेर एउटा डलर खाता चाहिँ खोल्ने चाहिँ कुराहरू नेपालमा चाहिँ चाहिँ ल्याउनको लागि कतिपय चाहिँ इस्युहरू चाहिँ थियो, त्यसमा चाहिँ लिमिटको चाहिँ कुराहरू चाहिँ थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल गैर आवासीय नेपाली सबके लक्षित कऽ कऽ विदेशमे रहल नेपाली सबके नेपाली बैंकमे विदेशी मुद्रामे खाता खोलबाक सुविधा शुरू भेल सेहो बतौने छलथि। आ व्यावसायिक विश्राम। पर्साके बीरगंजमे करेंट लागि दू गोटेके मृत्यु भेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय पर्साके अनुसार धोबिनी गाँवपालिका वडा नंबर 3 घर भेल 30 वर्षक सैफुल्ला अंसारी आ बीरगंज महानगरपालिका वडा नंबर 9 रानी घाट घर भेल 60 वर्षक ध्रुव प्रसाद साहके मृत्यु भेल छै। घर प्लास्टर कऽ रहल समय अंसारीके आ घरक छत सफा करबाक क्रममे साहके करेंट लागल छल। घटनाके विषयमे प्रहरी आओर अनुसन्धान कऽ रहल छै। चितवनके रत्ननगरमे गैराके आक्रमणसँ घायल भेल रत्ननगर नगरपालिका वडा नंबर 6 के विष्णु महतोके मृत्यु भेल छै। हुनकर मंगल दिन भिनसर मृत्यु भेल। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिके अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद घिमरे जानकारी देलनि अछि। हुनका इहे आसिन 10 गते चितवन राष्ट्रीय निकुञ्जसँ बस्तीमे आयल गैरा आक्रमण कयने छल। आक्रमणसँ घायल भेल महतोके चितवन मेडिकल कॉलेजमे इलाज भऽ रहलमे आओर इलाजक लेल सोम दिन काठमाण्डू भेजल गेल छल। देशभरि पछिला 24 घण्टामे आओर 44 गोटेमे कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। पछिला 24 घण्टामे 2,222 गोटेके नमूना परीक्षण कयल गेल छल। 579 गोटेके PCR आ 1,643 गोटेके एन्टीजेन विधिसँ परीक्षण कयलापर 44 गोटेमे संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जानकारी देलक अछि। मंगल दिन 29 गोटे संक्रमित संक्रमण मुक्त भेल अछि। तहिना देशभरि 575 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। तहिना 24 घण्टामे कोरोनाके कारण ककरो मृत्यु नहि भेल, मन्त्रालय जानकारी देलक अछि। प्रकारवलासँ बलात्कारके घटनामे उजुरी देबाक हद म्याद बढ़ौनाइ अवैज्ञानिक भेल धारणा रखने अछि। मंगल दिन सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल गइने बाल बालिका तथा विपन्न वर्गक न्यायमे पहुँच समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विषयक अन्तर्क्रियामे पूर्व सरकारी वकील तथा हाल कानून विषयमे प्राध्यापनरत राम घिमरे बलात्कारके घटनामे हद म्याद बढ़ौनाइ अवैज्ञानिक भेल बतौलनि अछि। ओ केओ माँग कयने भरमे राजनीतिक तह भूलि कऽ हद म्याद बढ़ावा नहि हेबाक तर्क कयलनि अछि। ओ हद म्याद क्षमता पहुँच आ अवसर नहि भेल सभक लेल रहल जेबाक भेलोपर पहुँच होवयवला सभ दुरुपयोग कयने बतौलनि। एकदमै समस्याको विषय अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा देखिएको छ। त्यसमध्ये अस्ति भर्खर हामीले देख्यौँ माइतीघरमा बोल दिएपछि हाम्रो राजनैतिक संरचना त्यसै झुकेर हदम्याद बढाइदियो। हामीले हेर्नु पर्ने मैले मुद्दाको सुरुवातदेखि अथवा फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ क्रम जोड्न खोजेँ।
त्यसले के गर्ने हो त हदम्यादका कुरा भने हो त क्षमता नभएको पहुँच नभएको अवसर प्राप्त नभएकोलाई दिनलाई बनाउने हो नि सबै कुराहरूको ओकेउ निवेदन ल क आइला पढ पहिने सत्य तथ्य बुझ्क मात्रै दर्ता कैल जेबाक बताने छलैथ वर्षा के कारण बर्दिया के राजापुर नगरपालिका के करीब 800 घर डुबान में पड़ल है। कर्णाली नदी के बाढ़ के कारण कर्णाली आसपास के किछ गाम सब डुबान में पड़ल है। स्थानीय के अनुसार डुबान में पड़ल सब में बेसी क्षति दौलतपुर में भेल है। कर्णाली के पानि के स्वतः नहीं घटला से आर डुबान के खतरा कायम रहल स्थानीय सबके कथन है। स्थानीय टीका राम जोशी बाढ़ के कारण डुबान में पड़ला से परिवार कतः रहल समय था नहीं पौने उपराग कने है। वो कर्णाली के पानि के बहाव कम हेबाक छाँट काट नहीं देखल गया से कोनो बचबाक कहत समस्या भेल बतौल नहीं। तहिना बर्दिया के राजापुर नगरपालिका वार्ड नंबर एक दौलतपुर के स्थानीय लोकराज ढुंगाना बाढ़ सोम दिन साँझ से गाम में पैसल आ लगभग 800 घर सब डुबान में पड़ल बतौल बस्ना पत्ता छैन के गर्ने हामीले जो देखी आएको जुन यो बाढी छोरा बुहारी स्वास्नी कान्छन कान्छन म विपत्ता छौ हिजोदेखि बारिश आएर खानाको पत्ता छैन बस्नको पत्ता छैन के गर्ने हामीले जो देखी आएको जुन यो बाढी छ यो हाम्रो यहाँ राजापुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर एकको यो तपाईँको चनौरा र भदाली भन्ने ठाउँबाट यो दौलपुर गाउँमा प्रवेश गरेको हो। हिजो साँझ लगभग 5 बजेदेखि प्रवेश गर्न सुरु गरेको यो बाढीले यस राजापुर नगरपालिकाभित्रका लगभग तथ्याङ्क त आउन बाँकी नै होला लगभग 700-800 घरहरू चाहिँ प्रभावित भइसकेका छन्। यस राजापुर नगरपालिकाका विभिन्न वाडाहरूमा यो कर्णाली नदीले वर्षेनी यो बेमौसमी वर्षाको कारण यो बाढी आउने भइरहेको छ गत वर्षदेखि। यसले गर्दा अहिले पनि यो नदी चाहिँ बढ्दो क्रममै छ अहिलेसम्म पनि नदी चाहिँ घटिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यसैले यहाँका चाहिँ धेरैजसो यस ठाउँका बासिन्दाहरू चाहिँ हामीले हिजो साँझ नै धेरैजसोलाई यो स्थायी बासस्थान यो अस्थायी बासस्थानका लागि हामीले यो नेरा प्रावि स्कुलतिर अनि उनीहरूका आफन्तहरू कहाँ धेरैलाई उद्धार गरेर पठाइसकेका छौँ भने केही अझै पनि बाँकी छ। अहिले भर्खरै नगरपालिकाको लाई फोन गरेर नेपाल प्रहरीको एउटा टिम आएर यो चनौराबाट केही व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्ने कार्य चाहिँ हुँदैछ। कालमा आएको बाढीले दौलोपुर गाउँ र हाम्रो घरबार विहीन जाने बनाएर हामी जाने पीडित भएर जाने बसिरहेका छौँ। 2078 सालमा आएको बाढीले पनि यो दौलोपुर गाउँले एउटा राहत पनि पाएको छैन। यो देउबा सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन। वर्षाके कारण पश्चिम तराईके जिल्लासम्म बाढ़ आडुबानके कारण जनजीवन प्रभावित बनल छ। बितल 5 दिन एम्हरसँग भए रहल भीषण वर्षासँ देशभरक पहाड़ी जिल्लासम्म सेहो बाढ़िक जोखिम बढ़ल छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पछिल्ला 24 घण्टामे प्रदेश एक लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश आ सुदूरपश्चिम प्रदेशके किछु स्थानसम्म आ बाँकी प्रदेशसभक कम स्थानसम्म मेघगर्जन सहित हल्कासँ मध्यम वर्षाके सम्भावना रहल जानकारी देलक अछि। मंगल दिन सोन आ चानी के मोल में गिरावट आयल है। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार सोनक मोल तोला में 1200 रुपया आ चानी के मोल 1500 रुपया से घटल है। छापावाल सोन के मोल प्रति तोला 94,000 तेजाबी सोन के मोल 93,500 आ चानी के मोल प्रति तोला 1215 रुपया तोकैल महासंघ जनौलक अछि। एहिसँ पहिने सोम दिन प्रति तोला 95,200 रुपयामे छापावाल सोन 94,700 रुपया प्रति तोलामे तेजाबी सोन आ 1230 रुपया प्रति तोलामे चानी खरीद बिक्री भेल छल। नवम राष्ट्रीय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला दिसके ह्यान्डबल प्रतिस्पर्धामे कर्णाली प्रदेश मधेस प्रदेशके 11-7 गोल के अंतर से पराजित कने छे। पोखरा रंगशाला स्थित बहुउद्देश्य कवर हॉल में भेल प्रतियोगिता के पहल खेल में कर्णाली प्रतिस्पर्धात्मक जीत निकालक अछि। कर्णाली के लेल अंजलि शाही आ संगीता सिंह समान 5-5 गोल के योगदान कने छल। पुरुष दिस के हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा में सेहो बागमती प्रदेश मधेश प्रदेश के 21-13 स्कोर से पराजित कलक अछि। सोनाम राकेश शेरपा बागमती के लेल सर्वाधिक 5 गोल कने छल। नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत के महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में विभागीय टीम
नेपाल एपीएफ क्लब आ सुदूरपश्चिम जीत निकालक मंगल दिन भेल खेल सब में एपीएफ बागमती प्रदेश के आ सुदूरपश्चिम प्रदेश गंडकी प्रदेश के हरौलक मंगल दिन भेल पहल खेल में एपीएफ बागमती प्रदेश के 4 विकेट से पराजित कलक बागमती दिने 90 रन के लक्ष्य पछ्यौने एपीएफ 19 ओवर 1 बल में 6 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा कने छल ऐसे पहिने बैटिंग केने बागमती 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 89 रन बनौने छल गंडकी देने 60 रन के लक्ष्य पछ्यौने सुदूरपश्चिम 10 ओवर 2 बल में 4 विकेट गुमा कर लक्ष्य पूरा कने छल ऐसे पहिने बैटिंग केने गंडकी 20 ओवर में 5 विकेट गुमा कर 59 रन बनौने छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से पार्टी विरोध बागी उम्मीदवारी देने सबके बुध के 1 बजे भीतर उम्मीदवारी फिरता लेवा सत्ता गठबंधन का निर्देशन जलेश्वर अस्पताल निकालने करार कर्मचारी के भरना नतीजा प्रति असंतुष्टि सब द्वारा प्रदर्शन परसा के बीरगंज में करंट लाइक 2 गोटे की मृत्यु बर्दिया के राजापुर क्षेत्र में बाढ़क प्रकोप करीब 600 घर डुबांगे आ नवम राष्ट्रीय खेलकूद में हैंडबॉल दिस मध्य प्रदेशक खराब प्रदर्शन पुरुष आ महिला दुनू टोली पराजित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।